हाय, वेलकम टू द यूनिक एनिमल ब्रीड इन्फो। इस समय हम हैं धार डिस्ट्रिक्ट में। धार डिस्ट्रिक्ट में एक सफल किसान से हम आपको मिलाते हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, क्या नाम है अपना? जय सिंह ठाकुर। जय सिंह ठाकुर जी। जी किस नाम से अपना फार्म? फौजी गोट फार्म। फौजी गोट फार्म जी, ठीक है। फौजी गोट फार्म पे हम इस आए हैं, और फौजी गोट फार्म की क्या डिटेल है, मतलब ये किस जगह है? अभी हम किस जगह है यहाँ? ये धार डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश। धार डिस्ट्रिक्ट के मध्य प्रदेश हाँ, में लगा ही हुआ धार सिटी से गांव पास में, बागड़े गांव। अच्छा, इस वीडियो में आपको यहाँ की लोकेशन वगैरह मैं सब चीज़ें डाल दूंगा। आपको अब मिलाते हैं इनके कौन कौन सी, इनके पास नस्ल है, किस तरह के जानवर है, क्या क्या है इनके होम ब्रीड। देखिए, सिरोही है हमारे मेन आपका सिरोही में काम है। हाँ, सिरोही है और सोजत के भी हैं, थोड़े बरबरी भी है। अच्छा, ये कितने टाइम के बच्चे? ये सब दो तीन, दो चार पाँच दिन के। दो से पाँच दिन हाँ, के बच्चे। ये आज का ही है। अच्छा, ये आज का ही है। एक अभी 5-7 घंटे हुए हैं, 4-5 घंटे। अच्छा, बताइए आपके पास कौन कौन सी नस्लें हैं? जैसे मैं बकरियां तो काफ़ी देख रहा हूँ, अपने पास वैसे टोटल कितने नग है इस फार्म में? बकरे बकरियां मिला के हैं अभी 120। 120 नग जी, बच्चे बच्चे सब मिला के। ये अपन फार्म कब से चला रहे भाई? ये 8-9 साल होगा, यूँ तो 9 साल होगा कंप्लीट, लेकिन अपन बकरी फार्मिंग में कर, फिर अपना बिजनेस अभी बनाया 5 साल से इसको, 5-6 साल से। मतलब 9 साल से बकरी? हाँ, पहले 2-4 बकरियां थी, तो फिर उसको धीरे धीरे फिर अपन ने मन बना लिया कि अब यही करना अपनों को। हम आपको मिला रहे एक सफल किसान से, जिन्होंने शुरू में 1 से 2 बकरियां या 4 बकरियों से स्टार्ट किया, और आज देखिए, आप खुद ही देखिए कि काफ़ी बकरियां हैं। बकरों के लिए आपको मिलाते हैं इनकी काफ़ी बड़ी बड़ी लेंथ की बकरी और ब्रीडर। ब्रीडर इस सेटअप में आपने कितने रखे हैं? अभी एक ही ब्रीडर है, दो है ऐसे, तो एक वो साइड अभी है हमारे पास। अच्छा, जो अब इन फौजी गोट फार्म की जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें आपको दिखाएंगे जो इनका एक नया ब्रीडर तैयार हो रहा है, हैदराबादी से पतीरा क्रॉस। हैदराबादी पतीरा क्रॉस में काफ़ी प्यारा बकरा है, उसकी क्वालिटी देखिए अभी, क्योंकि 6 से 7 महीने में इतनी अच्छी ग्रोथ पे है। देखो बकरियों को कैसा रखा जाता है, क्या खिलाया जाता है, इनके बारे में हम पूछते हैं। जी, अपनी डाइट वगैरह बकरियों की किस तरीके से, क्या क्या रहती है? इनको चने का भूसा खिलाते हैं जी, सोयाबीन का भूसा है, हरे चारे में बरसी है, और ये ज्वार भी है। अच्छा, चरी वगैरह। एक सवाल था मेरा, जैसे कि अपने पास ज़्यादातर मुझे सिरोही बकरियां नज़र आ रही है, सिरोही बकरियां जो है राजस्थान की ब्रीड कहलाती है। राजस्थान की ब्रीड है, और अपना क्षेत्र है मालवा जी। मालवा में यहाँ पे सूट करने में कितना समय लगा? यहाँ के क्लाइमेट में जैसे इनको तकलीफ तो हुई होगी, इसमें मृत्यु दरें भी होगी। हाँ, हुई है ना धीरे धीरे, पर अब अपने एडजस्ट कर लिया उन्होंने, बिल्कुल शानदार। ये देखें आप, हाँ, साल भर तो लगता है, 1.5 साल इनको। मेरी हाइट से मतलब ज़्यादा ही हाइट है इनकी। आपकी हाइट क्या होगी? मेरी 5 फीट 10 इंच। हाँ, देखिए 5 फीट 10 इंच के इंसान, आप थोड़ा सा नज़दीक आइए इसके। मैंने सुना था हमारे यहाँ के बुजुर्ग कहते थे कि जो 2 पैरों से बकरी खाती है वो बकरी एकदम पकड़ लेना चाहिए खरीदी में। तो इनके यहाँ पे सेलिंग भी होती है, और सेलिंग का कैसा क्या रहता है हमें बताएंगे। ये बकरियाँ हम किसानों को पालने के लिए देते हैं, और अच्छा, ट्रेंडिंग का काम नहीं, हमारे यहाँ सब ये ब्रीडिंग का ही काम है, सब बच्चे हमारे घर के ही होते हैं ये छोटे छोटे। अच्छा, क्या रेट रहता है? ये बकरियां हैं 400 रुपये केजी, और बकरे 500 रुपये केजी जी। ठाकुर साहब से आपको जो भी किसी भी बकरी के बारे में मालूमात करना हो, तो ठाकुर साहब के नंबर हम डाल देंगे वीडियो में। वैसे एक बार आपके मुंह से अपना नंबर बता दीजिए। 9934469952। 9934449952। ठीक है, धन्यवाद। ये आगे बताते हैं कि जैसे खाने का सेटअप, अभी ये क्या खा रही है, ये क्या चीज़ है? ये इसमें लहसुन के पत्ते हैं, और हाँ, उसका अपने चने का भूसा भी है इसमें। हाँ, तो ये जैसे स्टार्ट में लाए होंगे, तो वहाँ पे तो कुछ अच्छा अलग दाना अलग पत्तियाँ चलती है जो राजस्थान? हाँ, ये इसकी चलती है वहाँ पे, खेजड़े की पत्ती बोलते हैं। अपने क्या कहलाता है ये? ये इसको पत्ती बोलते हैं, हरी पत्ती बोलते हैं वहाँ पे। बॉम्बे वाले भी सब हरी पत्ती बोलते हैं। बॉम्बे वाले हरी पत्ती? हाँ, हरी पत्ती।
खेजड़ा राजस्थान में केला। हाँ, था। इसी की पत्ती वो राजस्थान वाले सुखा सुखा के ये बेच देते हैं, तो इसी को बम्बई वाले हरी पत्ती बोलते हैं। अपने इंदौर में पूरी सब हरी पत्ती इसकी सुखा के ये हरी पत्ती बोलते हैं इसको, तो ये बम्बई वाले सब यही खिलाते हैं। इंदौर वाले अपने अभी बहुत खिलाने लग गए। राजस्थान में बमूली की वैरायटी है तो ये बहुत है राजस्थान में, खेजड़ी बोलते हैं राजस्थान में। आपको ये शौक कैसे लग गया बकरी का? ये शुरू से 8-10 साल से देखने लगे कि हाँ बकरी पालने में फ़ायदा है, बकरी पालने में फ़ायदा है, तो ये 2-4 ले आए ऐसे ही। तो 5 से फिर 10 हुई, 15 हुई, 20 हुई, तो बढ़ती गए नंबर धीरे धीरे। ठीक है, ये जैसे ये दिन में आप छोड़ देते हैं? हाँ, दिन में सब खुले ही घूमते हैं। और ये खाने का क्या हमेशा रहता है क्या कि नहीं, कोई टाइमिंग रहती है? सुबह, दोपहर, शाम, 3 टाइम डालते हैं। और जैसे ये छोटे जो बच्चे हुए, हाँ, तो बकरियों को इनके साथ कब छोड़ा जाता है? इसका भी कोई समय ही रहता है? हाँ, 3 टाइम इनको दूध पिलाते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। अभी दोपहर है तो अभी दोपहर में पिला रहे हैं दूध। अच्छा, ये जो साइज के बच्चे 15 से महीना भर, हाँ, इस टाइम ये कितने बच्चे अपने यहाँ लगभग? अभी ये छोटे छोटे हुए हैं इस लाट के 15-17 बच्चे। 15-17 बच्चे जी। बड़ी फीमेल कितनी है? बड़ी फीमेल है अपने पास करीबन 50। 50 बकरी? हाँ, मतलब एक अपन ये मानो के धार जो क्षेत्र है, धार क्षेत्र में अभी तक मैं इतने समय से घूमा हूँ, मगर मुझे जो फार्म दिखा है बड़ी क्वांटिटी में माल रखने वाला, ये एक ही फार्म है। तो क्या कहेंगे नए किसान को इस फील्ड में आना चाहिए? क्योंकि सफल किसान ही बता सकता है कि क्या क्या इसमें परेशानी आती है और क्या क्या फ़ायदे रहते हैं। एक अगर नया किसान इस फील्ड में आना चाहे तो उसे क्या परेशानी आती है शुरुआत में? अपने को पहले तो बकरी अपन अगर ला रहे हैं तो उसको रखने की सब व्यवस्था होनी, अपने पास रखने की, चारे की। नहीं तो अपन ले आएंगे मान लो और अपने पास खिलाने के लिए चारा नहीं है, उसको रखने के लिए नहीं, तो वो फिर मर जाते हैं, इसी कारण फार्म बंद हो जाते हैं बहुत सारे। मेरा मानना ये है कि किसान को एकदम से बड़ा कदम नहीं, हाँ, थोड़े थोड़े 10 बकरी ले आए या 5 बकरी ले आए वो, हाँ, क्योंकि हर किसान के क्या है कि एक छोटा लाने से उसे पता भी चल जाएगा सारी चीजें कि क्या बीमारियां, उसको नुकसान नहीं होगा ज्यादा। 5 या 10 बकरी ले आएगा मान लो, उससे अगर संभाल पाए तो ठीक है, नहीं तो घाटा नहीं जाएगा उसको। नहीं तो, हाँ, अगर ज़्यादा वो सोचे कि मैं 50 बकरी ले आऊँ एक साथ, फिर हाँ घाटा हो जाता उसको किसान को। ठीक है, एक अपने पास बोर बकरी है उसके बारे, हाँ, में बताइए मुझे कि आपने कहा था एक बोर है। अच्छा, ये दिख रही है ना? हाँ जी। इसके बच्चे हुए? हाँ, बच्चे हैं, लेकिन इसके अपने को मेल इसका नहीं है प्योर, तो वो सीरो से क्रॉस करवा रहे हैं इसको भी। अच्छा, ठीक है। इसके बच्चे ये है क्या? ये, हाँ, ये इसके बच्चे हैं ये दोनों। अच्छा, ये देखिए आप सिरोही से बोर को क्रॉस करते हैं तो किस तरीके से बच्चे आते हैं। कलर पैटर्न तो माशाल्लाह काफ़ी खूब है। अच्छा, ये पिंक, दोनों पिंक स्किन में? हाँ हाँ, वाइट ही है, सिरोही से क्रॉस हुए, पिंक टाइप ही है बिल्कुल। इसका थोड़ा पैटर्न भी बोर, हाँ, वाला ही आया है। हाँ, उसी अपने बोर टाइप ही आया है इसका। उसको बोर का मेल बुलाना है, आप लोग मेल नहीं है अपने पास? ठीक है, ठाकुर साहब के नंबर है, जिस किसी को भी बोर का मेल भी देना हो तो ठाकुर साहब को कॉल कीजिए, फोटो व्हाट्सअप कीजिए, क्योंकि एक इनकी भी जो डिमांड है वो भी पूरी कीजिए, हाँ, और आपकी डिमांड ठाकुर साहब पूरी करेंगे जी। ठीक है, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। अगर इस फार्म के बारे में कोई भी और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, बताएं कि आपको क्या क्या परेशानी आती है, और नए फार्मर के लिए काफ़ी अच्छी वीडियो आने वाली है, तो चैनल आप देखते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।